हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन दिल्ली में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वायरलेस की एक नई ब्लूटूथ जो कि आ गई है और वो बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में। आप लोग हैरान हो जाएंगे वो देखकर, और मैं खुद हैरान हो गया था जब मैंने वो ली। मैंने कहा यार इतनी सस्ती, चले तो मैं इसका रिव्यू करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये है एक वीवो की ब्लूटूथ, आप देख सकते हैं कि एक वीवो की ब्लूटूथ है और सैमसंग तो इसके ऊपर वैसे ही नाम लिखा है। ये मुझे लगता है चाइना का ब्रांड है क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि चाइना, यहाँ पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके क्या क्या फायदे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके रेट क्या है और ये मिलेगी कहाँ से आपको, और स्पेशल तौर पर पाकिस्तान में ये जो है सबसे सस्ती है और इसके रेट मैं आप लोगों को बताऊँगा, आपको हैरान हो जाएंगे। पहले इसकी मैं चाहता हूँ पहले आप इसकी फ़ायदे देख लें इसमें कहते हैं, क्योंकि मैं ये 3 दिन पहले लाया था। पहले मैंने इसको खुद रिव्यू किया, इसका इस्तेमाल किया, इसकी चार्जिंग देखी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये ब्लूटूथ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। टेक्निकल इंडेक्स बता दूँ आपको, सपोर्ट है ये HFP A2 DP and AVRCB, इसमें ये सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें ट्रांसमिशन पावर जो है क्लास 2 है इसका। वर्किंग डिस्टेंस रेंज है 10 मीटर तक इसकी वर्किंग डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी रेंज 2.4026 GHz तक है, ठीक है। उसके बाद टॉक टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे तक है, 7 घंटे तक इसका टॉक टाइम है। उसके बाद म्यूजिक टाइम इसका 4 घंटे है और स्टैंड बाय टाइम 60 आवर्स, तो मतलब तकरीबन ये 2-2.5 दिन तक इसका स्टैंड बाय का जो ना टाइम है, और चार्जिंग टाइम सिर्फ 1.5 घंटा 1.5 आवर। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ के बताई हैं और इसके अंदर जो है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी। अब चलते हैं तो इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या भला है ये। तो मैंने इसको खुद को भी इस्तेमाल किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको मैंने ये खोल लिया। जब मैंने इसको खोला तो इसमें क्या क्या निकला, एक वायर है। अच्छा, तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ ये चीज़ें हैं कुछ, ये देखें इसमें 3 चीज़ें उन्होंने दी हमें। एक ये चीज़ दी है और एक ये हमें वायर दी है उसकी चार्जिंग केबल, और हमारी ये खुद की ये एक ब्लूटूथ आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है वीवो, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इनके तरीके बता दूं कि कैसे इस्तेमाल करना है। ये एक केबल है, ये दोनों एयर पे लग जाती है। इस तरफ यूज़ करना है तो आपने एयर को इस तरह अटैच करना है। मैं कैसे आपको बताऊं कि इस तरह ये अटैच, एयर इस तरह लगानी है आपने। ये इसके बीच में गैप था थोड़ा सा, इसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से इसको थोड़ा सा जोर देना है तो ये लग जानी है इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये इसमें लग गई है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका एक हमारा एयर के अंदर जो है ये जो होल है इसके अंदर ये चीज़ आनी है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ खुद ब खुद अंदर फिक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन के कैसे ये इस्तेमाल होती है। ये जो है इसकी डेटा केबल है, इसके ऊपर यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर ये डेटा केबल लगेगी, ये मैंने डेटा केबल लगाई और ये चार्जिंग होगी। कम से कम 1 घंटे के अंदर ये मेरी बैटरी फुल हो गई थी, 1.5 घंटा लिखा है। हो सकता है मेरा चार्जर हैवी है, इसके एमएएच ज़्यादा है, इस वजह से जल्दी चार्ज हो गया। डेटा केबल रखता हूँ और अब चलते हैं अपने ब्लूटूथ की तरफ। इसके साइड में इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, ये आप लोगों को ब्लैक कलर इसलिए कम दिख रहा होगा। 2 वॉल्यूम है, अप डाउन, और ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, और कॉल अटेंड करने का भी यही बटन है। इसके अंदर माइक वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये वर्किंग बहुत अच्छा करती है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है। चले इसको शुरू करते हैं। ये मैंने पावर का बटन दबा के रखा, ये ऑन हो गई। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका बल्ब जल रहा है तो ये ऑन हो गई। अब जैसे ही ये ऑन होगी अपने मोबाइल की, हमने ब्लूटूथ खोलनी है, ब्लूटूथ खोल के उसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, वो ऑटो पे कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको कान में अपने एयर में यहाँ पर फिक्स करना है, ये आप देख सकते हैं एयर में फिक्स हो गई, और उसके बाद आपकी ब्लूटूथ तैयार। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छा, इसके अब रहेगा रेट। ये जो है अमेजोन पे ही बता रही है कि कम से कम, नहीं तो मैंने यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट खोली तो उस पर मैंने चेक किया, मैंने कहा देखता हूँ अमेजोन पे कितने की मिल रही। तो अमेजोन पे इंडियन रुपीस के हिसाब से ये बता रहा है 299 इंडियन रुपीस, और जो पाकिस्तान के रुपीस हैं उसके अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ मुझे मिली है 400 की। आप हैरान हो जाएंगे 400 की सिर्फ ब्लूटूथ, यार मैं समझता हूँ 24 घंटे चल रही है ये, मैंने कल इस्तेमाल की, 24 घंटे चलती रही
बात की, म्यूजिक सुना मैंने, बहुत कुछ किया, लेकिन जबरदस्त काम कर रही है। और उसके बाद डेढ़ घंटे में, एक घंटे में बैटरी फुल हो जाती है इसकी, और सिर्फ 400 में। और क्या चाहिए आप लोगों को यार। अमेजोन बता रहा है कि इंडियन रुपीज में 299 रुपए, और जो वीवो इंडिया एक वेबसाइट है वीवो की, उसकी यही यूएसबी है, वो बता रहा है कुछ और रेट। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों वेबसाइटों की लिंक्स दे दूंगा। दूसरी जो वेबसाइट बता रही थी वो इंडियन रुपीज के 70 रुपए बता रही थी सिर्फ, हो सकता है वो रॉन्ग हो या राइट हो, वो आप लोग खुद डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।